लुधियाना के सर्किट हाउस में हिंदू सिख जागृति सेना की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले जन्माष्टमी के त्यौहार के संबंध में विचार विमर्श किया गया। वहीं इस मौके पर प्रवीण डंग ने कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार सिख हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरे पंजाब वासियों का है। और वहीं उन्होंने कहा कि त्यौहार को लेकर 18 अगस्त को गुरु नानक देव भवन में नामधारी समाज और हिंदू सिख जागृति सेना मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाएगी। जागृति सेना और नामधारी संगत वालों ठाकुर दलीप सिंह जी के दिशा निर्देशों के एक संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया सर्किट हाउस के। इस मीटिंग दे 18 अगस्त को गुरु नानक देव भवन के सांझे तौर के उत्ते भगवान श्री कृष्ण जी का दिहाड़ा मनाया जा रहा। उस कार्यक्रम के ठाकुर दलीप सिंह जी और वख-वख थावां तों पहुँच रहे संत महापुरश जन्माष्टमी के दिहाड़े के संबंध के भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन के संबंध के और उन्होंने जो संदेश मानवता के प्रति ने या गुरबाणी के भगवान श्री कृष्ण जी बारे की लिखा होया उस संबंध के आई हुई संगतां नूं अपने मुखारबिन नाल निहाल करनगे। और इस कार्यक्रम का जो मुख मंतव है पंजाब दे विच हिंदू सिख भाईचारा बहुत मजबूत है, पर विदेशों के बैठे हुए कुछ शरारती तत्व हिंदू सिख भाईचारे दे विच हमेशा दुराब पैदा करने की कोशिश करते हैं। जिदी लेटेस्ट कड़ी सिख रेफरेंडम 2020 कनेडा दे विच जिहड़ा उपराला कर रहे ने, असीं इन्हां चीज़ां नूं चेतावनी तौर दे उत्ते लै के हिंदू सिख भाईचारे की मजबूती लई संघर्ष कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का भी मुख मकसद हिंदू सिख भाईचारे नूं मजबूती नाल लोगों के पेश करना और जिहड़ी नौजवान पीढ़ी दे विच कोई भुलेखे ने वह भुलेखिया दूर करना इस कार्यक्रम का मुख मंतव है। तुहानू सारयां नूं बेनती है अज जिहड़ा प्रचार समगरी जारी की गई है जन्माष्टमी के कार्यक्रम की, उहदे विच तुसी सारयां ने वध चढ़ के हिस्सा लेना और संत महापुरशां की जिहड़ी बाणी है उहनू अपने जीवन के उतारन का प्रयास करना है। जय श्री कृष्ण। अज जिहड़ी इत्थे विशेष एकत्रता रखी गई है हिंदू सिख जागृति सेना के नामधारी संगत की, वह 18 अगस्त को असी दोनों ही आपस में रल मिल के भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा जन्माष्टमी है वह मना रहे हैं। इसका मुख मकसद सिर्फ एको ही है, असी ये सारे संसार में यह सुनेहा देना चाहते हैं कि हिंदू और सिख कदी वख नहीं हो सकते। असी ये प्रकाश दिहाड़ा इसलिए मना रहे हैं क्योंकि गुरबाणी अनुसार श्री गुरु जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखा होया उस अनुसार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी साढ़े पूजनीक हैं, इस करके असी उन्हों का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। और जिस तरह डंग साहब ने दसिया कि इसका सुनेहा चारे पासे जाना चाहिए कि हिंदू सिख जिहड़े ने इक्को ही ने, इन्हां नूं वक्खो वक्ख नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत ते। जिहड़े भी ये कोशिश करते हैं या कर रहे हैं या करन दा यतन कर रहे हैं उन्हां नूं मूंह दी खाणी पैणी है, चाहे अज है चाहे कल है। यही आप जी नूं जानकारी। जागती लाइव के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।